नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य जहां पर गढ़ की लड़ाई है, यही वजह है कि हम आपका हमारी खास पेशकश किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार कर जीत का दावा कर रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे की कमियों को गिनवाकर सत्ता पर काबिज होने की होड़ में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी हो सकता है, ऐसे में पार्टियों के नेता लगातार प्रदेश में चुनावी माहौल सेट करने के लिए दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं का जोश लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची हुई हैं, जहां प्रियंका गांधी ने नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। प्रियंका गांधी का यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि नगरीय निकाय चुनावों और पंचायतों में राज्य में कांग्रेस का दबदबा है और नगर निगमों और नगर पंचायतों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने बढ़त भी बनाई है। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया, तो वहीं इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आदिवासी वोटर्स को साधने के उद्देश्य से कई परियोजनाओं की सौगात भी दी है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में चुनावी मुद्दा अब जातिगत जनगणना ही बनता नजर आ रहा है। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया, तो वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट करते हुए जातिगत जनगणना को बढ़ावा दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रियंका गांधी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। ये बयान उन्होंने कांकेर जनसभा के दौरान दिया है कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो एक ऐसा विकास का मॉडल है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ग्रामीणों के जेब में पैसा डाला जा रहा है, ग्रामीण रोजगार बढ़ाया जा रहा है। यहां से पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उल्टा पलायन यहां होगा क्योंकि इतना रोजगार, इतनी प्रगति यहां प्रदेश में हो रही है कि सबसे पहले तो कोई छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा किसी को रोजगार ढूंढने के लिए, और दूसरा लोगों को लगेगा कि चलो हम छत्तीसगढ़ जाएं, वहां पे व्यापार करेंगे तो हम वहां विकसित हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ की पूरी देश भर में पहचान है, आपका आत्मसम्मान बुलंद हुआ है, यहाँ आदिवासी संस्कृति है। मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि ये सबसे अच्छी संस्कृति है क्योंकि इसमें प्रकृति का आदर है। बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि चर्चा का आधार क्या है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बयान देते ही एक ट्रेंड सेट कर दिया है, एक एजेंडा सेट कर दिया है कांग्रेस की तरफ से, और उसको हवा देने का काम भूपेश बघेल ने किया। इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका मैं स्वागत करूंगी। हमारे साथ में सबसे पहले डॉक्टर सौरभ सिंह जागृत, मीडिया पैनलिस्ट हैं आप, बीजेपी के, बहुत स्वागत है सौरभ जी। नमस्कार। अनिल सिंह चौहान जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, बहुत स्वागत अनिल सिंह जी। अनिल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप स्टेट हेड है एमपीसीजी के। अनिल जी बहुत स्वागत है, प्रखर मुखर वक्ता हैं तीनों ही, और मुखरता और प्रखरता की जरूरत बीजेपी की तरफ से आज ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस ने एक बार सेट कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनिल जी के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी, प्रियंका गांधी ने इस बात का उद्घोष कर दिया है कि जातिगत जनगणना छत्तीसगढ़ के अंदर भी कराई जाएगी, क्या ये ना माना जाए कि सीधे तौर पर एक लाइन खींचने का काम किया है? देखिए, छत्तीसगढ़ जिस तरह से निर्माण के बाद
अभी 2018 तक बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया और 2003 से 18 तक 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में वनांचल और ग्रामीण अंचल के आदिवासियों का, अति पिछड़ों का सिर्फ शोषण किया, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया। अब जिस तरह से सामुदायिक वनाधिकार देने का काम हो रहा है, दूसरा उन वर्गों को लाभ दिया जा रहा है, वनोपज की खरीदी की जा रही है, इस तरह से धीरे धीरे सभी वर्गों को जोड़ने का विकास नहीं हुआ, ये कहकर के कहीं आप भूपेश बघेल सरकार की भी तो किरकिरी नहीं कर रहे हैं? अनिल जी, 5 साल तो आप भी रहे ना, इसी 2018 से 23 के बीच ही तो विकास हुआ। असल में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों का शोषण किया, ये कहना चाहता हूं मैं। अच्छा। अब 5 वर्षों में हम जब सभी वर्गों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वनांचल के लोगों को लाभ दे रहे हैं, आदिवासियों को लाभ दे रहे हैं, अति पिछड़ों को लाभ दे रहे हैं, 1,75,000 करोड़ रुपए सभी हितग्राहियों के खाते में डाले गए, उनको स्वावलंबी बनाया गया, मुफ्त में नहीं डाले गए, आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, अब छत्तीसगढ़ में जो प्रियंका जी ने हमें संदेश दिया है वो ये दिया है, जो वर्ग अति पिछड़े हैं उनको यहाँ के संसाधन या उनको समुचित अवसर मुख्य धारा में आने का नहीं मिल पाया है, उनको जातिगत जनगणना करके समुचित अवसर दिया जाएगा, उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। जी, आपके पास तभी देश का, सौरभ जी जुड़े हुए हमारे साथ में, सौरभ जी से भी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। सौरभ जी, ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने काशी में विकास की गंगा बहाई, वहां से शुरुआत कर दी, बघेल जी खारून बहा देंगे विकास की। देखिए, विकास की बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस तो करे ना, वो ज्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से इनके राष्ट्र की नेत्री आती है प्रियंका गांधी जी, वो पहले तो धर्म के नाम पे राजनीति की कांग्रेस पर, अब आज जाकर जाति के नाम पे राजनीति, छत्तीसगढ़ में तमाम जातियों को बांटने का काम करके गई है। बांटने का प्रयास जिस प्रकार से गांधी परिवार हमेशा से करते आया है, आज बस्तर में ये शर्म की बात है कि जाति के आधार पर जातिगत जनगणना की बात कर रही है। दूसरी बात, यदि विकास की बात डर तो नहीं बोल रहा है सौरभ जी, ये आपका डर तो नहीं बोल रहा है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, डर की बात ही नहीं है, परंतु जिस प्रकार से आदिवासी हो, आप जातिगत जनगणना के विरुद्ध है, आदिवासी हो चाहे गरीब हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबसे बड़ी जाति है गरीब की जाति, और गरीब की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का अधिकार और हमेशा से करते आई है। अरे इन्होंने तो गरीबों को तोड़ा है, फोड़ा है, तो क्या आप नहीं चाहते कि शोषितों को, पीड़ितों को, गरीबों को, पिछड़ी जातियों को न्याय मिल सके? और आज जाकर जातियों को छत्तीसगढ़ में सोच है साहब, अगर आप नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को जो बहुत बड़ी संख्या में है और उनको संसाधन नहीं मिले, उनको लाभ हो, जातिगत जनगणना में आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है? पूछना चाहता हूँ, आदिवासी क्षेत्र के महिलाओं के साथ जो पीड़ा हो रही है, क्या वही महिलाओं से प्रियंका गांधी मिलती है? जिस प्रकार से रोड दुर्घटना में महिलाओं की मृत्यु होती है, वहां एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है, तो ये विकास की क्या बात करें? बस्तर तो त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहा है। ठीक है, बस्तर त्राहिमाम कह रहा है, ये कह रहे हैं सौरभ जी। अनिल जी के पास मैं जाऊंगी, स्टेट हेड है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या समझते हैं आप? क्योंकि देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपना राग अलापते हैं, लेकिन इस बीच वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप ग्राउंड जीरो पर लगातार एक्टिव रहे हैं, आपने दशकों तक पत्रकारिता की होगी, आप क्या समझते हैं प्रियंका गांधी का ये बयान ट्रेंड सेंडिंग है, सेट कर रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो वाकई उनके दिल में है कि वो विकास करना चाहते हैं? आपको क्या नजर आता है? देखिए पूजा, आपका सवाल बहुत वाजिब है, यहाँ पर अक्सर इस बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा जो है अपनी अपनी बात करती है, लेकिन जब राज्य का गठन हुआ 2000 में, जब राज्य का गठन हुआ, मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ, उस समय इसे आदिवासी बहुल घोषित किया गया, स्वयंभू कुछ नेताओं ने किया और आदिवासी नेतृत्व की बात की, और उस आधार पर बाकी सारे नेताओं को दरकिनार कर अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। वो उनकी जाति का पर बहुत सारा विवाद था, उस पर विवाद पे नहीं जाना है, लेकिन ये कहा जाता रहा कि आदिवासी बहुल है, आदिवासी बहुल है, आदिवासी बहुल है। देश में भी जो जनगणना होती है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की तो गणना होती है, लेकिन ओबीसी को छोड़ दिया जाता है। ये मांग आज से नहीं, सदियों से चले आ रही, 31 में जनगणना हुई थी उसमें जरूर था, अंग्रेजों के समय, उसके बाद 51 में जो जनगणना हुई उसमें अनुसूचित जाति जनजाति थी, लेकिन बाकी वर्ग को नहीं किया गया। अब ओबीसी का ये कहना है कि जिसकी संख्या सबसे भारी उसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, अब इस बात को लेकर यहाँ पर भी ओबीसी एक बड़ा तबका है छत्तीसगढ़ में भी,
तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इस पर नजर सभी पार्टियों की है। कांग्रेस ने इस पर पहला निशाना साधा है और आदिवासी क्षेत्र में जहां पिछली बार उनको बहुत वोट मिली, बहुत सीटें मिली थी, 29 में से करीब करीब 26-27 सीटें मिली थी, तो वो अपनी आदिवासी वोट बैंक को तो इंटैक्ट मान ही रहे हैं। उसके अलावा जो है ओबीसी वोट बैंक पे अगर वो उनसे सज जाता है तो उनकी जीत जो है वो निश्चित हो जाती है। ये इस दिशा में किया गया एक बड़ा प्रयास है। जी पूजा, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ सर। देखिए अनिल जी भी जुड़े हुए हमारे साथ में। अनिल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कांग्रेस का पक्ष मैं आपसे इसलिए भी समझना चाहती हूँ क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरीके से टीएस सिंहदेव बाबा और भूपेश बघेल को एक करने के लिए कुमारी शैलजा को मध्यस्थता करनी पड़ी है, किसी से छिपा नहीं हुआ है। आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर जो आपसी कलेश है वो किसी से छिपा नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद भी आप एक रहिएगा, और एक नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? पूजा जी, ये जो आपसी कलेश की बात है ये भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है, किसी प्रकार का कलेश नहीं है। हाँ, समझने की बात यह है कि कांग्रेस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्लियर डेमोक्रेसी है, आपको अपनी बात कहने से कोई व्यक्ति नहीं। बहुत ज्यादा क्लियर होना भी बहुत मुश्किल का विषय होता है अनिल जी। पूजा जी, हो सकता है इसमें दिक्कतें हों, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास इसलिए करती है कि 5 वर्षों से इनकी जनता से संवादहीनता है, ना इनके पास चेहरा है ना इनके पास मुद्दा है। तो ये कभी ताम्रध्वज साहू जी कहां चाय पिए, टीएस सिंहदेव जी ने क्या बयान दिया, इस पर ये पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। 15 साल में इन्होंने जो कुशासन किया, गर्भाशय बेच डाले, वनांचल के आदिवासियों की छाती छलनी कर दी गोलियों से, इस तरह की जो राजनीति हुई, शोषण हुआ, कमीशनखोरी हुई, उससे बचने के लिए अब ये नया नया प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। केंद्र की सरकार भी फेल हो गई, ना तो वो महंगाई पे कुछ कर पाई ना बेरोजगारी पे कुछ कर पाई। 50 सालों की सर्वाधिक महंगाई और बेरोजगारी आज देश में है। तो बीजेपी आप पर भी तो निशाना साधती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ अभी गई हूं मैं बीच में, छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह की सरकार के समय में जितने फ्लाईओवर बने थे, जितना स्ट्रक्चर बना था, वहीं पर छूटा हुआ है काम। तो आप कुछ पूरा आगे बढ़ा नहीं पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए और आप उसी बिना पर उम्मीद कर रहे हैं कि आप जीत जाइएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है साहब। पूजा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पर्याप्त काम हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम हुआ है? स्वामी विवेकानंद टर्मिनल पर गायों के घूमते वीडियो रोज वायरल होते हैं। सरकार क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जरूरी था कि 5 किसान छत्तीसगढ़ में रोज आत्महत्या कर रहे थे, भाजपा राज में, उसको रोकना जरूरी था। किसानों की आत्महत्या नहीं रुकती, किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनका अगर शोषण बंद नहीं होता, उनकी कर्ज माफी नहीं होती, उनको फसल की पर्याप्त कीमत नहीं मिलती, वनांचल के लोगों को वनोपज की कीमत नहीं मिलती, तो ये प्रदेश किस चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं, आप अलग से डिबेट रख दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से कहीं कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने पहले जनता को मजबूत किया, पता नहीं साहब आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा से लेकर के मजबूत किया, वो जो वीआईपी जोन आपने बना रखा है सब धूल फांकता है। चलिए सौरभ जी के पास मैं जाऊंगी। सौरभ जी, आरोप है सीधा सीधा अनिल जी का कि चेहरा तो आपके पास है नहीं और जो है उन्हें कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, रमन सिंह का नेतृत्व अब कोई लेना नहीं चाहता, तो किस बिना पर चुनाव लड़िएगा, मोदी मोदी करके? देखिए, चेहरे की बात तो कांग्रेस पार्टी खुद करे ना, इनके खुद के पार्टी में एक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, तो इनके यहाँ तो खुद ही दो दो मुख्यमंत्री राज्य चला रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सशक्त रूप में एक मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य चलाया। दूसरी बात, यदि ये बात करते हैं आदिवासी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 32% आदिवासी को आरक्षण दिया था अभी ये थोड़े दिन पहले जब इन्होंने जनगणना कराई। तो फिर आप जाति की जनगणना की बात से डर क्यों रहे? डर क्यों रहे? बिहार में जारी हुआ डर गए आप, बिहार में जारी हुआ डर गए आप। प्रियंका गांधी आई और प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में भी ऐलान कर दिया, अब आपके पैर के नीचे से जमीन वहां भी खिसक गई है। जनता को बांटने का कोई काम करेगा तो हमको आपत्ति होगी, गरीबों को बांटने का काम करेगा। सौरभ जी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? सौरभ जी आप क्या बात कर रहे हैं? आपको इस बात का भान है कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं, बांटना और जातिगत जनगणना करना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। जातिगत जनगणना क्यों कराई जाती है, आप इस बात का जवाब दे दीजिए पहले। इनका कहना ये है कि जातिगत जनगणना करके
जनगणना के हिसाब से हिस्सेदारी दिया जाए, तो बांटने का प्रयास तो खुद ही कर रहे हैं राहुल गांधी। मतलब आप हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, जो दबा है वो दबा रहे, जो दबा है वो दबा रहे, वो दब के मर जाए। देखिए दूसरी बात, यदि कांग्रेस पार्टी जिस विकास की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, आप जाकर इनकी योजनाओं को देख लीजिए। घोटाल योजना में एक गाय उपस्थित नहीं है, इनके कार्यक्रम हो जाते हैं, गायों की हत्या हो जाती है उस भोजन खा के कार्यक्रम के बाद। दूसरी बात, ठीक है, ठीक है सौरभ जी, गौठान के नुकसान पर आऊंगी मैं, गौठान के नुकसान पर आऊंगी मैं, ग्राउंड पर मैंने भी बहुत सारे गाय भैंस वहां पर घूमते हुए देखे हैं, उस पर भी आऊंगी। अनिल जी के पास चलती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है अनिल जी। अनिल जी मैं आपसे समझूंगी, देखिए लड़ाई बहुत लंबी है और लड़ना बहुत मुश्किल। एजेंडा सेट कर दिया है प्रियंका गांधी ने आगामी दिनों के लिए, योजनाएं बहुत चलाई जा रही हैं। मोदी मैजिक वर्सेस प्रियंका गांधी का एजेंडा सेटिंग, दोनों में ये जो जब वॉर की जाए और इनको तोला जाए तो कौन भारी कौन हल्का? देखिए अभी तो चुनाव के पहले क्या कहा जाए कौन भारी कौन हल्का, लेकिन भारी होने की कोशिश सभी कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जो है दिक्कत यह है कि वो चार साल पहले जो चार साल उसने खराब कर दिए, चार साल वो मतलब खामोश रही, अब जो है इन पिछले एक साल में जब चुनावी साल में वो आक्रामक हो रही है, तो भूपेश बघेल जो है वो कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा है, उसके चेहरे के टक्कर में इनको दिखता नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही यहाँ पे नरेंद्र मोदी के दो चार जो प्रवास हुए, अमित शाह के प्रवास हुए और केंद्रीय मंत्रियों की जो फौज यहाँ झोंकी गई है, उसके बाद यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, वो एक बार भी ऐसा लग रहा है कि मैदान में आ गए, टक्कर में आ गए। तो भारी होने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है और प्रियंका गांधी भी सतर्क दौरे कर रही है। ठीक है, इनका पहला दौरा नहीं है। अनिल जी एक विषय और मैं आपसे समझूंगी, देखिये जब हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो 11 ऐसे राज परिवार हैं जिनका बोलबाला छत्तीसगढ़ की सियासत में साफ नजर आता है और वही कहीं ना कहीं पीढ़ियों से सियासत को लीड भी कर रहे हैं। कई कांग्रेस के पक्ष में हैं, कई विरोध में हैं, कई बीजेपी के पक्ष में हैं, कई विरोध में हैं। इसका प्रभाव आपको कितना नजर आता है? अगर मैं प्रियंका गांधी के इस बयान से इतर बात करूं तो इसका प्रभाव आपको कितना नजर आता है? देखिए अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मतदाता बहुत जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सर पर उठा के रखा, 15 साल 3 बार उन्होंने उनको जिताया, जब चौथी बार जब चुनाव में जब पार्टी गई भाजपा पार्टी, उसी पार्टी की उन्होंने दुर्गति कर दी, मतलब 15 सीट पर ला के खड़ा कर दिया और बाद में उपचुनाव भी पूरे हार गए। उपचुनाव में एक भी उपचुनाव भाजपा नहीं जीत पाई, नगरीय निकाय हो, पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, सब जगह जनता ने उसको नकारा। तो जनता यहाँ की बहुत समझदार है, आप ऐसा कह नहीं सकते कि ये पिछड़ा प्रदेश है, कहने को पिछड़ा प्रदेश है। अब आदिवासी, अब जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उसमें एक बात जरूर है कि आदिवासियों का अगर जनगणना जो है पहले होती रही है अनुसूचित जाति जनजाति की, उसमें अगर कमी आती है तो वो एक आंदोलन अलग से खड़ा हो जाएगा, और अगर ओबीसी अगर बढ़ते हैं तो ओबीसी की तो जनगणना आज तक हुई नहीं, तो ओबीसी को भी साधने की कोशिश कांग्रेस के इस जो पैतरे से की गई है और बहुत सोचा समझा कदम है और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आज प्रियंका गांधी ने इस बात की घोषणा की है। जी ठीक है, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी ने इस बात की घोषणा कर दी है। अनिल जी खुश तो बहुत होंगे आप, प्रियंका गांधी के मुंह से आज जो ब्रह्म वाक्य निकले हैं वो अगर सध गए तो सियासत और सत्ता दोनों आपकी हो जाएगी। मैं आपके पास आऊंगी, गौठान के नुकसान का जिक्र सौरभ जी कर रहे थे, सवाल उसी पर मैं ले लेती हूँ। सड़कों पर गाय हैं और आप कह रहे हैं आप किसानों को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं, अगर जातिगत जनगणना का पैतरा फिट नहीं बैठता है, उसके अलावा अगर आपको अंडर करंट का सामना करना पड़ता है तो क्या कीजिएगा? कोई और भी गणित है आपके पास, जुगत जुगाड़ है, क्योंकि बीजेपी जीरो लैंड पर काम कर रही है, ये आपसे छिपा नहीं होगा। पूजा जी, कांग्रेस को किसी चुनावी स्टंट की जरूरत नहीं है। अगर ये बयान प्रियंका जी ने कहा है तो मैं खुश इसलिए हूँ कि सभी वर्गों को उनका हक मिलेगा। हम वोट की राजनीति नहीं करते और वोट की राजनीति नहीं करते उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि रमन सिंह जी जब जब सरकार बनाते थे आखिरी वर्ष में किसानों को धान का बोनस देते थे। माननीय भूपेश बघेल जी ने जब सरकार की कमान संभाली पहले घंटे में उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की, 18 लाख से अधिक किसानों का 9,000 करोड़ से ऊपर का पैसा माफ हुआ।
भारतीय जनता पार्टी ने 100 लाख करोड़ के करीब 2014 से अभी तक में कर्ज लिया और 10.5 लाख करोड़ कर्जा तो साहब आपने भी बहुत लिया है, राज्य के ऊपर बहुत कर्जा आ गया। 1.5 लाख करोड़ का छत्तीसगढ़ में आज कर्जा हो चुका है, ला चुके हैं 1.5 लाख करोड़। अनिल जी का कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है। अनिल जी सुनाई दे रहा है आपको। 55 लाख करोड़ रुपए जी आजादी से 2014 तक 55 लाख करोड़ था और अभी कर्जे का जिक्र आपने किया तो मेरे सवाल से पहले सौरभ जी बोल के हिसाब से देख लीजिए हमारा प्रतिशत मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से कम है। और पूछा जी कर्ज हमने लिया है तो किसानों के लिए लिया है, अदानी अंबानी के लिए नहीं लिया है, कुछ उद्योगपति भगोड़ों को भगाने का। चुकाइएगा कैसे इसलिए चुकाएंगे कि आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से तुलना कर लीजिए, हमारी जीडीपी की तुलना में हमारा कर्ज आज भी कम है। और हमने 55 लाख करोड़ में बोला 2014 से पहले था देश का कर्जा, 155 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ कैसे ले लिया गया? पेट्रोलियम पदार्थों पे 3% की जगह 33% कैसे टैक्स लिया जा रहा है? इन मुद्दों का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। दूसरी बात गोठान पे आ जाता हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ में गोठान बने अगर 341 करोड़ का गोबर खरीदा गया और 391 करोड़। ठीक है अनिल जी, समय बहुत कम है, मैं सौरभ जी के पास जाऊंगी और बहुत क्विक जवाब लूंगी। सौरभ जी, अगर प्रियंका गांधी का ये पैतरा काम आता है, दाव चल जाता है, तो बीजेपी के पास तोड़ क्या है? देखिए पहली बात तो प्रियंका गांधी का कोई पैतरा चलने वाला नहीं है, बस्तर की जनता हो छत्तीसगढ़ की जनता हो क्या चलेगा? मोदी मैजिक घोषणा नफरत की दुकान चलेगी, चाहे का काम करेंगे अलगाववादी विचारधारा लाएंगे। नाथूराम गोडसे को पूजने वाले कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना देश को बांटने वाली है। अरे साहब अगर पिछड़ों को आपको समय दिया था, सौरभ जी नहीं बोल रहे थे, 2 मिनट उनको दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए जी सौरभ। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में किसी का पैतरा नहीं चलने वाला, जनता देख चुकी है। किसानों का आज तक मंडी टैक्स माफ नहीं हुआ, 2 साल का बकाया बोनस नहीं मिला। अदानी का पैतरा चलेगा, ईडी अनुमति देने वाली मैं कोई नहीं। घड़ी की टिक टिक का इशारा है कि अब डिबेट समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस चर्चा को खास बनाने के लिए। तो देखिए गढ़ की लड़ाई है और छत्तीसगढ़ में आई है, मोदी मैजिक चलेगा या फिर भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी का दाव रंग लाएगा, कुमारी शैलजा का जो मैजिक और संतुलन है वो काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का जरूर है, ब्रेक के उस पार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज़।